सभी को सादर जय जी। सो वी वर टॉकिंग अबाउट टुडेज टॉपिक व्हिच इज खम्मत खमना एंड व्हिच इज अ काइंड ऑफ, जैसे हमने कहा कि हमारे मन वचन और शरीर के माध्यम से हम जो भी कार्य करते हैं वो अक्सर किसी ना किसी अटैचमेंट या द्वेष या कषाय से प्रभावित होते हैं, जो हमें जन्म और मृत्यु के कर्म बंधन में ले जाता है। हाउएवर इफ देयर इज नो इंटेंस अटैचमेंट, ऐसा कहा जाता है, और एन अवर्जन इन डूइंग दोज एक्शंस, देयर कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी नलिफाइड और फॉरगिवन थ्रू रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस। जितनी जल्दी हम किसी गलती या अपराध के लिए क्षमा मांग ले, उनके उसके परिणाम जो होते हैं, ऐसा माना जाता है कि न्यूट्रलाइज उसको करने में उतना ही आसान हो जाता है। तो आज के जेन टॉक की इस कड़ी में हम खमत खमना, विच इज नथिंग बट द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस, इसे गहराई से समझेंगे। हमारी आज की वक्ता हैं साधिका प्रगभा जी, और साधिका प्रगभा जी को मंच पर आमंत्रित करने से पहले ना उनके बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। साधिका जी ने 2016 में दीक्षा प्राप्त की और आज जो हमारे साथ बैंगलोर से ही जुड़ी हुई हैं, शी इज एन इंस्पायरिंग स्पीकर, होलिस्टिक गाइड एंड मेंटर। शी डिलीवर्स लेक्चर्स ऑन जेन टेक्स्ट यूजिंग अ साइंटिफिक rational and practical approach to make them easily applicable in our day-to-day life. Her talks covers various topics such as personality management, stress management, parenting, and work-life balance, catering to the people of all age groups. Pratibha Pragya ji, aapka bahut bahut swagat hai. Aap hamesha NLP, which is neuro-linguistic programming, ko से आपने दर्शकों से को एंगेज कर दी हैं एंड एम्पावर देम टू अप्लाई व्हेन सो दैट दे कैन लर्न टू क्रिएट पॉजिटिव लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस इन द लाइफ। सो वी आर वेरी ऑनर्ड मैम टू हैव यू हियर टुडे ऑन आवर जेन टॉक्स प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड यहाँ मैं बिफोर आई हैंड इट ओवर द प्लेटफॉर्म टू यू, हमारे दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि टू गेट द मोस्ट आउट ऑफ दिस सेशंस टुडे, आई वुड सजेस्ट ऑल आवर ऑडियंस कि जैसे जैसे हमारा सेशन आगे बढ़ता है, आपके मन में जो भी सवाल या सोच या जो भी आ रहे हो, आप उसे सीधे चैट बॉक्स पे लिखते जाएं। आप उसको बाद उन सवालों को बाद में पूछ भी सकते हैं, बट अगर सवाल आ रहे हैं तो डोंट हेजिटेट, जस्ट राइट इट ओवर। और उन सवालों का जो है डेफिनेटली साधिका जी हमारे या तो बीच में या हमारे सेशन के अंत में समाधान देंगी। तो इन्हीं दो शब्दों के साथ मैं सादर आमंत्रित करती हूँ साधिका जी को हमारे जेन टॉक के मंच पे। जय हो साधिका जी, प्लीज टेक इट ओवर फ्रॉम हियर। भावमय सतगुरुवर वंदन करूं आदर सत्कार नमन, सदा कल्याण मंगलम आ दिव्य गुरु चैत्य वहर ताता, करूं परियुपासन चित लाय, रहे साता का जतन उपाय, रहे साता का सतत उपाय। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्ग्रंथ आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव को भाव वंदन। सृष्टि के समस्त षट जीवनी काय का आभार। उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। सबसे पहले तो इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए आप सभी का आभार, और स्पेशली आभार स्मिता जी का, जिन्होंने इस मंच के द्वारा आप सभी से हमें रूबरू करवाया। और आप सभी का आभार कि अपने पूरे जो भी आपका रूटीन है, शेड्यूल है, उसमें से आप स्पेशली ये कुछ समय निकालकर चर्चा के लिए या एक कुछ जानने की जिज्ञासा, या मैं कहूं कि जो कुछ हमने अपने गुरुओं से जाना समझा जीवन में उतारा, वो बांटने के लिए, वो रिसीव करने के लिए आप सभी रेडी है। तो जैसे स्मिता जी ने
टॉपिक बताया आप सभी को, खम्मत खामना। हर जैन व्यक्ति, मैं कहूंगी बच्चा, बचपन से हम कुछ शब्दों से बड़े परिचित होते हैं, है ना, जैसे नमोकार, मंत्र, वंदना, तिक्खुतो, या जो लोग मंदिरवासी हैं, देरासरवासी हैं, वो लोग चैत्य वंदन से, ऐसे कुछ शब्दों से, कुछ टेक्स्ट से हम सभी परिचित होते हैं। भले ही हमने बहुत ज्यादा सूत्र या शास्त्रों का अध्ययन भले ही ना किया हो, और उन्हीं में से एक शब्द या कहूंगी कुछ शब्द जैसे तत्समिच्छामि दुक्कड़म और खम्मत खामना, इन सभी से आप परिचित हैं। खम्मत खामना, अगर मैं शाब्दिक अर्थ करूं तो खम्मत खामना कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा आप मुझे स्वीकार करें, मुझे क्षमा करें और मैं भी आपको क्षमा करता हूं, यानी आप जैसे हैं वैसे मैं आपको स्वीकार करता हूं। अब खम्मत खामना, आप खम्मत खामना से मिलता जुलता एक शब्द जो लोग राजस्थान से कनेक्टेड रहे हैं उन्होंने सुना होगा, है ना, खम्मा गणी, गणी खम्मा, एक आम बोलचाल, एक विश किया जाता है, ग्रीट किया जाता है इस शब्द से। अब खम्मत खामना, खम्मा, ये खमाक शब्द जो है हम कह सकते हैं कि एक अपभ्रंश है क्षमा शब्द का। क्षमा, क्षमा का एक अर्थ जिसको अगर मैं दूसरी भाषाओं में ट्रांसलेट करके कहूं, जैसा हम कह सकते हैं उर्दू में माफी या अंग्रेजी में हम कहेंगे फॉरगिवनेस, लेकिन हम समझें कि ये जो क्षमा शब्द है ये इतना संकुचित नहीं है। वी कांट रिस्ट्रिक्ट इट जस्ट टू फॉरगिवनेस और जस्ट टू माफी। तब तो इसका अर्थ हुआ कि पहले हम आपकी गलती को रजिस्टर करेंगे, राइट, कि हमने माना कि जाने या अनजाने हमसे या आपसे एक गलती हुई, हमने उस मिस्टेक को रजिस्टर किया, उसके बाद हमने ये माना कि भाई गलती तो हो गई, चाहे तुमसे हुई या मुझसे हुई, तो हमने पहले गलती को रजिस्टर किया, उसके बाद हमने या तो माफी मांगी या सामने वाले को माफ किया, क्षमा की। लेकिन क्षमा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड जस्ट टू दिस फॉरगिवनेस या माफी, इसका जो अर्थ है वो बहुत विराट है। क्षमा यानी सहन करना। अभी अगेन यहां पर भी एक तकलीफ खड़ी हो जाती है, सहन करने को हमने फिर संकुचित कर दिया बर्दाश्त करने। सहना इज नॉट जस्ट बर्दाश्त करना, सहना इज स्वीकार करना। सहने का अर्थ है स्वीकार करना और बिना किसी कंडीशन के निःशर्त स्वीकार करना। तुम मेरी ये बात मानो तो मैं स्वीकार करता हूं, ना। इसको हम जरा और विराटता से समझें, जरा और वाइडेंड इस अर्थ को समझें, तो आपने सुना होगा कि पृथ्वी से सहनशीलता का गुण सीखो, है ना, क्षमा करो पृथ्वी की तरह। हमने ये बहुत सारे कोटेशन सुने होंगे और हम काम भी लेते हैं, जब जब हम स्पीच बोलते हैं क्षमा वीरस्य भूषणम बोलते हैं ना, क्षमा वीरों का गुण है। भाई क्षमा करना कौन सी बड़ी बात है, किसी ने आपसे क्षमा मांगी, आपने बोल दिया मैंने तुम्हें क्षमा किया, तो इसमें वीर होने की क्या बात। लेकिन जैसे जैसे हम इसके गहरे अर्थों को समझते जाएंगे, वैसे वैसे हम जान पाएंगे कि वाकई ये जो क्षमा है ये कितना बड़ा है। इसी से मिलते जुलते पहले जितने प्रश्न हमारे अंदर आते हैं ना, हम उन सारे प्रश्नों की चर्चा कर लें। अब क्षमा की बात करें, हम खम्मत खामना की बात करें, तो आपने सुना होगा खामेमी सव्वे जीवा खमंतु में मित्ती में सव भुए सु वेरम मज्जम न के नहीं। अब खमा शब्द वहां पर भी आ रहा है, खामेमी सव्वे जीवा, मैं सब जीवों को से क्षमा मांगता हूं और सब जीव भी मुझे क्षमा करें। आगे लाइन क्या कह रही है, मिट्टी में सव भुएसु, सर्वभूत से मेरा मैत्री भाव रहे, वेरम मज्जम न केने, मेरा किसी से वैर ना रहे। शुरुआत कहां से हुई, क्षमा से। अब क्या क्षमा मांगने से या क्षमा कर देने से मैत्री भाव विकसित हो जाएगा, या तो मामला उल्टा हो जाएगा। आप देखिए, कोई व्यक्ति है जिससे आप क्षमा मांगने जा रहे हो, कई बार ये क्षमा मांगना हमारी एक अहम को पोषित कर देता। अगर मैं इसको सिर्फ, अगर सुनिएगा, अगर मैं इसको सिर्फ और सिर्फ माफी तक सीमित कर देते हैं हम लोग, तो क्या होगा,
भाई मैंने तो क्षमा मांग ली, सामने वाला करे ना करे मुझे कोई उससे मतलब नहीं। अब यहां पर भी हमारे अहम भाव को हमने पोषित कर दिया, यहां हमने सामने वाला व्यक्ति वो क्या कह रहा है वो कैसा है यहां स्वीकार नहीं किया। तो क्षमा जो है, खम्मत खामणा जो है, वो और विराट है। वो कह रहा है मैं सहन करता हूं, सहन में भी बर्दाश्त नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बर्दाश्त करने में तो क्या होगा, आज तो आप सहन कर लोगे। अक्सर आप सुनते हो ना, महाराज साहब इतने सालों से मैं बर्दाश्त कर रहा हूं लेकिन अब बस अब नहीं होता। भैया आज तक बर्दाश्त किया ही नहीं, आज तक सहन किया ही नहीं, आज तक आपने क्या किया, जब जब आपने जो कुछ सुना ना, अपने रिएक्शंस को बाहर पोर्ट्रे नहीं किया, अपने रिएक्शंस को बाहर प्रेजेंट नहीं किया, उसे स्टोर करते गए। और जिस दिन वो स्टोरेज भर गया आपका, अब क्या होगा, वो वोल्केनो बर्स्ट हो जाएगा, ज्वालामुखी बर्स्ट हो जाएगा। तो क्या ये स्वीकार करना हुआ, क्या ये सहन करना हुआ? नहीं, ये सिर्फ हुआ अपने रिएक्शंस को, अपने रिस्पॉन्सेस को रोकना, और रोकना स्वीकार करना नहीं। यहां खमत खामणा कह रहा है स्वीकार भाव, निःशब्द, अनकंडीशनल, और स्वीकार भी कैसा, कि मैं जैसा हूं वैसा आप मुझे स्वीकार करें, और आप जैसे हैं वैसा मैं आपको स्वीकार करता हूं। और यहां पर बात सिर्फ व्यक्ति की नहीं हो रही है, यहां खामे में सव्य जीवा हो रहा है, यानी सर्वभूत, चाहे वो षटकाय जीव हो। अब षटकाय जीव में देखिए, पृथ्वी कहीं पर उबड़ खाबड़ है, कहीं पर सूखी है, ड्राई है, कहीं पर बहुत ज्यादा स्वम्पी है, कहीं पर बहुत ज्यादा रेतीली है, जैसी भी है पृथ्वी मैं उसे स्वीकार करता। ये जैसा भी मौसम है, बहुत मॉइस्ट है, कहीं पर बहुत बारिश है, कहीं पर बहुत ज्यादा गर्मी है, कहीं बहुत ज्यादा ठंड है, जैसा भी मौसम है मैं स्वीकार करता हूं एज इज विदाउट एनी चेंजेस। इसी तरह से मेरे आसपास का माहौल, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे मेरे साथ काम करने वाले लोग हो, चाहे मेरी अपनी कमजोरियां हो। हम लोग अक्सर बाहर से तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम खुद को ही नहीं स्वीकार करते, हम दूसरों से स्वीकार की अपेक्षा करते हैं लेकिन हम खुद को स्वीकार नहीं करते। देखना जरा कितनी ज्यादा शिकायतें हम अपने आप से रखते हैं, कितनी ज्यादा अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस हम स्वयं से रखते हैं, और कितना ज्यादा हम खुद को कोसते हैं, कितना ज्यादा हम खुद की हीलना करते हैं, हम एक्सेप्ट ही नहीं करते। मेरा तो चेहरा सुंदर नहीं है, मेरा तो कलर काला है, मेरे तो बाल छोटे हैं, मेरी आंखें छोटी है, मैं एज में दिखता हूं, मैं बहुत छोटा लगता हूं, मेरी हाइट कम है, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मैं प्रेजेंटेबल नहीं हूं, लिस्ट है लंबी। और मजे की बात ये कि हम स्वयं, जो पहला स्टेप है खम्मत खामणा का, सबसे पहला स्टेप है स्वयं को स्वीकार कर, अपनी पूरी की पूरी कमजोरियों के साथ, अपनी सारी की सारी अच्छाइयों के साथ। अब आप बोलेंगे महाराज साहब इससे क्या फर्क पड़ेगा, नाउ वी स्टार्ट आवर जर्नी टुवर्ड्स नोइंग दिस पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। सीधी सी बात है, हमारे आसपास कचरा पड़ा है ना, गार्बेज पड़ा है, आपकी टेबल पर बहुत सारे पेपर के छोटे टुकड़े हैं, कुछ खाने पीने का सामान है। पहली बात आप स्वीकार करोगे कि हाँ भाई मेरे आसपास कचरा है, तभी तो उसको साफ करने के लिए कुछ काम करोगे, राइट और नॉट? लेकिन हम बोले कहाँ है कचरा, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा, I don't see any garbage, anything, you know, rubbish over here, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो उसको दूर करने के लिए कैसे काम करोगे? तो पहली चीज है कि जैसा मैं हूं वैसा मैं स्वयं को स्वीकार करता हूं। जब स्वीकार करेंगे अपने आप को, अपनी कमजोरियों को, अपनी कमियों को, अपनी प्राकृतिक जो भी हमारा बिल्ट है उसको स्वीकार करेंगे, तभी तो उनसे होने वाली परेशानियां या उनसे आने वाली तकलीफों से हम कहीं ना कहीं उसका कुछ रास्ता निकाल पाएंगे। भाई मैं बोलूं मेरी तो आंखें कमजोर है ही,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी क्या होगा, मैं उसके इलाज के लिए या उसका उपाय निकालने के लिए उसके मेरे उस कमजोर आईसाइट के कारण जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है मैं उस प्रॉब्लम्स पे काम कर रही हूं, लेकिन प्रॉब्लम की जो जड़ है मैं उसे स्वीकार ही नहीं कर रही हूं। तो क्या होगा, हम प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, हम डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। हमारी 90% प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है कि हम स्वीकार के भाव में आ जाए, कंप्लीट एक्सेप्टेंस, जो जैसा है एज इज। अब जरा आगे बढ़िए स्वयं से, हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं, ये बंदा ऐसे क्यों तेज से बात करता है, इतना जोर से क्यों बोलता है, इसका जब मर्जी हो, मैंने एक बार काम कहा इसने काम पूरा ही नहीं किया, ये खाता नहीं है, ये सो क्यों नहीं रहा है, ये लेट क्यों उठता है, ये ऐसे कपड़े क्यों पहनता है, ये इस तरह से राइटिंग क्यों लिखता है, ये इस तरह से मैसेज क्यों करता है, ये इतनी देर, दुनिया भर की शिकायतें। और हम चाहते हैं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसे सामने वाला आदमी बदल जाए। और ये सिर्फ व्यक्ति के साथ नहीं है, हम जहां जाएंगे जिस जगह पर जाएंगे वी वांट टू चेंज एवरीथिंग, और हम चाहते हैं एवरीथिंग शुड बी कंफर्टेबल अकॉर्डिंग टू अस, चाहे वो खाना हो, चाहे कुछ पीना हो, चाहे पहनना हो, चाहे बात करनी हो, चाहे कोई प्रोग्राम हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे यहां तक कि एसी का जो टेम्परेचर है, हम स्वीकार नहीं करते। और जब स्वीकार नहीं करते तब क्या होगा, कंप्लेंट्स होगी, कंप्लेंट्स होगी तो ब्लेम्स होगा, ब्लेम गेम शुरू होगा, तब वेयर शुरू होगा, क्योंकि हम सिद्ध करना चाह रहे हैं, हम प्रूव करना चाह रहे हैं। अब ये इतना विशेष सर्कल बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात थी भाई कि वो व्यक्ति ऐसा ही, उसको तेज बोलने की आदत है, उसको बात रिपीट करने की आदत है, वो आपकी बात को सुनकर तुरंत रिएक्ट नहीं करता, उसकी आदत है। स्वीकार कर लीजिए, बोलिए अपने आप को, खम्मत खामना, खम्मत खामना, खम्मत खामना। अब जैसे ही बोला क्या हुआ, जो आपका इरिटेशन लेवल है ना उस व्यक्ति के प्रति जिसको आप स्वीकार नहीं कर पा रहे, वो इरिटेशन लेवल बढ़ता है और वो इरिटेशन एग्रेशन में कन्वर्ट होता है, एंड यू कैन गो अलोंग विद दिस। वो क्रोध अब वैर को जन्म देगा। अगर वो आपका बॉस है तो प्रॉब्लम क्या आएगी, कि बॉस को तो आप कुछ कह नहीं सकते, ये बॉस समझता क्या है अपने आप को, जब देखो तब किसी भी टाइम बुला लेता है, जब देखो तब हमको कोई भी इंस्ट्रक्शंस दे देता है, हम नौकरी करते हैं यहाँ पर, हमें कोई खरीद लिया है, एंड यू नो अंदर ही अंदर इतना एग्रेशन बढ़ जाता है कि फिर एक दिन वो फूट पड़ता है। और दूसरी चीज, आप भले मुंह पर ना बोले लेकिन आपका जो ऑरा है ना, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो एक्सप्रेशन है, वो चीज, वो आपका बिहेवियर, वो आपका एक्सप्रेशन, आपका ऑरा, आपके अंदर की उस डिस्टर्बेंस को, आपके अंदर के उस अनएक्सेप्टेंस को, आपके अंदर की उस जेलसी को, उस घृणा को, उस हेट्रेड को इतना पोर्ट्रे करता है कि व्हेनेवर यू सी पीपल कमिंग अराउंड यू, आपको लगेगा मैं तो उससे मुस्कुरा कर मिल रहा हूं, लेकिन सामने वाला क्यों नहीं मुझे एक्सेप्ट कर रहा है। आप उस सामने वाले से जाकर पूछिए, वो कहेगा महाराज साहब मैं इसका काम परफेक्ट है, मैं हर बार सोचता हूं कि मैं इसका प्रमोशन कर दूं, लेकिन ये बंदा जैसे ही मेरे पास आता है मेरी इच्छा नहीं होती कि मैं इसे कुछ कहूं। क्यों? क्योंकि वो सामने वाला बंदा कहीं ना कहीं बॉस को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और इसलिए बॉस तक वो रेडिएट हो रहा है, वो अनएक्सेप्टेंस रेडिएट हो रहा है, और जाने अनजाने एक वैर का भाव बनता चला जा रहा है, और ये वैर का भाव पूरे प्लानिंग के साथ हो रहा है। जैसे जैसे हम एक्सेप्ट करते जाते हैं चीजें, हमारे अंदर का इरिटेशन लेवल खत्म होता जाता है, क्योंकि हम एट ईज हैं, अब हम कोई भी चीज को लड़ नहीं रहे हैं, वी आर नॉट इन अ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये खमत खामना का भाव आप जरा नोट कीजिए, इंडिविजुअल लेवल पर आपको एट ईज पर ला रहा है। अगर आप प्रोफेशनल लेवल की बात करें तो आपके कलीग जो जैसा है, आप अपनी एनर्जी उनको उनका विरोध करने में वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आप अपनी एनर्जी को कहीं पर भी किसी और का कोई भी जो बैड बिहेवियर है उसको रजिस्टर करने में
कहीं पर भी वेस्ट ही नहीं कर रहे, आपकी सारी एनर्जी सेव हो रही है. एंड वेयर इज इट फोकस्ड? इट इज फोकस्ड ऑन योर वर्क. सिंपल, हिम्मत खामना. अच्छा, सबसे बड़ी चीज, उसके बाद आप जैसे जैसे इसका दायरा बढ़ाते जाओ, आप देखिए, आप घर से निकले, राइट? आपने एक ऑटो हायर किया आपने वर्क प्लेस तक जाने के लिए. अब वो ऑटो वाला मे बी बैड बिहेव कर रहा है, या उसका ऑटो खराब है, या वो कहीं रास्ते में रुक गया. नाउ यू गेट इरिटेटेड. क्या हुआ उस इरिटेशन से? क्या आप जल्दी पहुंच जाएंगे? उल्टा आपका मूड खराब हो गया, और वो मूड खराब यू विल कैरी टू द ऑफिस, और पूरे दिन आपके काम पर असर करने वाला है. ठीक है बाबा, ऑटो है, मशीनरी है, खराब हो गई, हिम्मत खामना, हिम्मत खाम. यू नो, अभी कुछ दिनों पहले एक छोटी सी चीज आई थी, कहीं एक वीडियो देखने को मिला. नॉर्थ जापान में एक माउंटेन एरिया है, वहां पर बकायदा यामाबुशी ट्रेनिंग होती है. यामाबुशी ट्रेनिंग, एक्चुअली इट्स नॉट अ ट्रेनिंग ऑल्सो, इट इज सेल्फ एक्सपीरियंस. अ ग्रुप ऑफ पीपल, वो एक गुरु के साथ, एक मास्टर के साथ एक माउंटेन की ट्रैकिंग पे जाते हैं. सिंपल, कुछ भी नहीं है, और कोई भी उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए हैं. मजे की बात ये कि आप एक ट्रेनिंग कैंप में जा रहे हो और आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जा रहे. क्या कहा जा रहा है? कि भैया मास्टर जो करने को बोले आपको वो सब कुछ करते जाना है, और अगर मन में कहीं भी विरोध उठे या कुछ भी आपको परेशानी हो, एक ही शब्द, वो शब्द क्या है? युकीताम, ओकीताम. और देखा जाए तो सोकीतामो का अर्थ क्या है? आई एक्सेप्ट. सिंपल, हिम्मत खामना. आप जा रहे हैं, बहुत पहाड़ है, आपका सांस फूल रहा है, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना. और अगर मैं जापानीज भाषा में बोलूं तो इट इज ओकीताम, ओकीताम, हिम्मत खामना. सिंपल. अभी आप अपने डे टू डे लाइफ में इसे लागू करके देखिए. आप अपने फैमिली के साथ एक ट्रिप पर जा रहे हैं, है ना? अब फैमिली मींस उसमें छोटे बच्चे भी हैं, उसमें बड़े भी हैं, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब है. जा रहे हैं, रास्ते में हो सकता है कोई गाड़ी आपको ओवरटेक करके निकले, आप उसको गाली मारने का मन हो, उससे पहले अपने आप को बोलिए, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना. वो ड्राइवर जैसे भी गाड़ी चला रहा है, मैं किस भाव में हूं? मैं हिम्मत खामना के भाव में हूं. वो जैसे चला रहा है, उसकी गाड़ी, उसकी सड़क, उसकी लेन, उसकी जर्नी. हाँ, मैं सेफ ड्राइव करूंगा, आई एम नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड. टोल गेट पर खड़े हो, लंबी लाइन है, नाउ यू स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड. हिम्मत खामना, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना. बच्चे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती कर रहे हैं, आपको लग रहा है चुप बैठो. जैसे ये करने का मन है, अपने आप से पहले कहना, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना. उसी तरह से कोई कुछ खाएगा, कोई कुछ करेगा, बहुत जगह पर आपके फेवरेबल सिचुएशन नहीं होगी, आपकी पसंद की सिचुएशन नहीं होगी, कोई बात नहीं, बोलिए हिम्मत खामना, हिम्मत खामना, हिम्मत खामना. और जैसे जैसे आप ये बोलते चले जाएंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि आपके भीतर एक अलग तरह की ईज आ गई. यू आर वेरी ईजी. अरे भैया, वो सामने वाला जो मर्जी आए करे, मैं क्या करूं. अभी कुछ दिनों पहले सुधा मूर्ति जी का एक वीडियो देखने को मिला, तो उन्होंने, उनसे कोई सवाल पूछा गया था उनके पति को लेकर. शी वॉज एड्रेसिंग द पब्लिक, और बड़ी प्यारी बात उन्होंने कही. उनसे कहा गया कि मैम आप मतलब क्या सलाह देना चाहेंगी, तो उसने बहुत सारी बातें कहते हुए उन्होंने कहा कि जब मेरी शादी हुई थी, आई वॉज ऑलरेडी लाइक यू नो 29, 26, 29, 30, वट एवर वॉज द एज, इट वॉज लेट 20s, या लेट 30s, सॉरी लेट 20s, बिफोर 30. तो वो बोले कि आप सोचिए, नारायण मूर्ति जैसा आदमी जिसने अपनी लाइफ टाइम में 30 years में इंफोसिस जैसी कंपनी खड़ी कर दी, एक बिल्कुल साधारण परिवार से व्यक्ति जो सांस भी इंफोसिस लेता है, खाता हुआ, पीता, सोता, सब कुछ उसके लिए इंफोसिस है. अब मैं ऐसे व्यक्ति को बोलूं कि भैया तुम मुझे टाइम नहीं देते हो,
शादी हुई है तो एक पत्नी की एक सामान्य इच्छा होती है कि मेरा पति मुझे टाइम दे, मुझे फिल्म दिखाने ले जाए, मुझे साड़ी दिलाने ले जाए, मेरी बर्थडे पार्टी करे, ये वो। मेरी भी इच्छाएं थी लेकिन मुझे समझ में आ गया, आई एक्सेप्टेड माई हस्बैंड एज इज, ये भाई मेरा हस्बैंड ऐसा ही है। अब जब शादी हुई थी तब तो उसे पता नहीं था कि ये इंफोसिस इतनी बड़ी कंपनी बनेगी, क्या पता था उसे? नहीं ना, बट शी एक्सेप्टेड इट कि भैया ठीक है ये व्यक्ति ऐसा ही, आई एक्सेप्ट, मैं बोलती ज्यादा हूं ये कम बोलता है, फाइन आई एक्सेप्ट एज, मैं ज्यादा समय देती हूं परिवार को ये नहीं देता है, आई एक्सेप्ट एज। और ये एक्सेप्टेंस आज आप और हम सुधा मूर्ति जी और नारायण मूर्ति जी के जीवन में देख सकते हैं और ये ले गए। और इसी कारण से आप देखिए जैन दर्शन में खम्मत खामणा को इतना महत्व दिया गया, हम शिकायतों से बच जाएंगे, हम एक्सपेक्टेशन अपेक्षाओं से बच जाएंगे, हम डिजायर से बच जाएंगे। और जब ये इतनी सारी चीजें निकल जाएगी बचेगा क्या? गुस्सा है, गुस्सा एक आवेग है, क्रोध एक आवेग है ना, तुरंत से किसी ने आपके पसंद की चीज नहीं कही, किसी ने वो चीज कह दी जो आपको नागवार गुजरी है, तुरंत से गुस्सा आ गया, गुस्सा निकाल दिया आपने, और निकालने के बाद जैसे ही आपको समझ आया अरे मुझे गुस्सा आ गया, आई एक्सेप्ट इट, हिम्मत खाम चले जाओ उसके पास, भाई मेरा स्वभाव गुस्सेल, मैं क्रोध कर दिया, लेकिन उसका कोई भी रिएक्शन ना, रिएक्शन यानी हम लोग अक्सर एक्सक्यूजेस देते हैं, अरे मैं तो गुस्सा नहीं करना चाहता था, उस बंदे ने ऐसा कह दिया इसलिए मुझे गुस्सा आ गया, बाकी मैं तो गुस्सा करता ही नहीं हूं। नो, गुस्सा आया ये सत्य है, एक्सेप्टेड कि मुझे गुस्सा आया, मैंने उन क्षणों में खुद पर कंट्रोल, खुद पर नियंत्रण खो दिया, आई लॉस्ट माई कंट्रोल, एक्सेप्टेड। वंस यू एक्सेप्टेड आप आगे की बहुत सारी रामायण से बच जाओगे। आप देखिए ना, आप सामने वाला आकर आपको कुछ कहने वाला है ना, आप घर जाते हो और आप सोचते हो आज वो बंदा इतना लेट आया, समझता क्या है अपने आप को, मैं उसको कहकर रहूंगा, उसने ऐसा कर दिया ये कर दिया, आते ही वो एक्सक्यूज देगा, आप पता नहीं एक पूरी स्टोरी प्रिपेयर कर लेते हो, और वो व्यक्ति जैसे ही सामने आता है, वो सामने आते ही कहता है सॉरी मैम आज मैं लेट हो गया, मैं जानता हूं आपको तकलीफ हुई है, प्लीज आज मेरी इस प्रॉब्लम को आप बेयर कर लीजिए। अब आप क्या करते हो? क्या गुस्सा करते? नहीं, उसने क्या कहा, आप बेयर कर लीजिए, आप सहन कर लीजिए। अब इसका एक और रूप देखें, जब जब आपको अगर इसको एक और इसका डायमेंशन समझना है तो आप देखिए, आपको अक्सर कहा जाता है पृथ्वी की तरह सहनशील बन। क्यों कहा गया पृथ्वी की तरह सहनशील बनो? क्या पृथ्वी किसी से क्षमा मांगती है, या आप पृथ्वी को क्षमा मांगते हो? पृथ्वी से जब क्षमा मांगते हो तो वो आपको हाथ उठाकर कहती है जा मैंने तुझे माफ की? नो, वो नहीं कहती, लेकिन आप उसमें जो भी बोते हो, जो भी करते हो, वो स्वीकार कर लेती है। आपने रोड्स बनाने के लिए उसको खोदा, उसने स्वीकार कर लिया। आपने पानी निकालने के लिए कुआं खोदा, उसने स्वीकार कर लिया, और बदले में वो अपने स्वभाव में रहे। नोट करने वाली बात है, जरा गौर से समझिएगा इस बात को, आपने अनार बोया, उसने अनार दिया, आपने गेहूं बोया, उसने गेहूं दे दिया, आपने जो उसमें डाला उसने बिना किसी ना नुकर के, बिना अपना एहसान जताए, उसने वो हजार गुना करके दे दिया अपने स्वभाव से, क्योंकि पृथ्वी का स्वभाव है उपजाना, शी इज फर्टाइल, उसने स्वीकार किया, आपने जो दिया उसने स्वीकार किया। आप उसमें कचरा डालते हो, वो जितना पचा सकती है पचा लेती है, सारे कचरे को पचा लेती है, जो नहीं पच पाता उसको छोड़ देती है। आप क्षमा का उत्कृष्ट उदाहरण, आप कहानियां सुनी होगी आपने प्रभु महावीर के जीवन की। अब देखिए आप जरा, ग्वाला आया, राइट, उसने कहा, महावीर ध्यानस्थ खड़े कायोत्सर्ग में खड़े, ग्वाला आया उसने कहा मेरे बैलों का ध्यान रखना, महावीर ने ना हां कहा ना ना कहा, उसने नहीं कहा भाई मैं कैसे ध्यान रखूंगा,
महावीर प्रभु ने ये नहीं कहा कि भाई मैं कैसे ध्यान रखूंगा, मैं तो कायोत्सर्ग में हूं, मैं तो ध्यान में हूं। थोड़ी देर बाद वो ग्वाला आया, उसे बैल मिले ही नहीं, उसे गुस्सा आ गया, उसने गुस्सा किया महावीर, तुमने ध्यान नहीं रखा मेरे बैलों का, मैं तुमको कहकर गया। लेकिन प्रभु ने पलट कर जवाब भी नहीं दिया कि भाई मैंने कब कहा था तुम्हें कि मैं तुम्हें मैं ध्यान रखूंगा। वो उसके हर रिएक्शन को स्वीकार कर रहे, उसको गुस्सा आया, उसने लाकर कान में कीले ठोक, उसको भी स्वीकार कर। उत्कृष्ट समा क्षमा, उत्कृष्ट सहनशीलता, उत्कृष्ट स्वीकार भाव। उन्होंने जब कहा तब भी स्वीकार कर लिया, आकर वापस रोष किया, गुस्सा किया, उसे भी स्वीकार कर लिया, कानों में कीले भी ठोक दी तब भी स्वीकार कर लिया। भैया तेरी इच्छा, तू जैसा कहे, लेकिन मैं अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहा। मेरा स्वभाव है कि मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा, मैं अपने कायोत्सर्ग में स्थित हूं, मैं तुम्हें जरा भी 1% भी तुम्हारे किसी भी स्वरूप को मैं अस्वीकार नहीं कर रहा। ये उत्कृष्ट क्षमा, बोलकर माफ नहीं किया, मन में भाव भी नहीं आने दिया, रिएक्शन भी नहीं आने दिया, रिस्पॉन्स भी नहीं आने दिया, ये है उत्कृष्ट क्षमा। और इसीलिए कहा कि क्षमा वीरस्य भूषण, क्योंकि एक वीर व्यक्ति, हमारी हम देशी भाषा की अगर मैं बात करूं, बोलचाल की भाषा की बात करूं, तो हम क्या कहते हैं, भाई उसका पेट बहुत बड़ा है। पेट क्यों बड़ा है, क्योंकि वो सब कुछ पचा लेता है, हमारी गलतियां भी, हमारी कमियां भी, हमारी कमजोरियां भी, इसलिए उसका पेट बड़ा है। इसी तरह इसलिए कहा गया कि क्षमा वीरस्य भूषणम, क्यों, क्योंकि जो वीर है, जो क्षमाशील है, वो क्या करता है, आपको संपूर्ण रूप से स्वीकार कर लेता है। आप उसे गाली दो तो भी स्वीकार कर लेता है, आप उसको प्रणाम ना भी करो तब भी स्वीकार कर लेता है, आप उसकी तारीफ करो वो भी स्वीकार कर लेता है, आप उसकी तारीफ ना भी करो वो भी स्वीकार कर लेता है। वो संपूर्ण रूप से आपको स्वीकार कर लेता है, वो अपने आत्म स्वभाव से कभी डिगता नहीं है। इसलिए कहा कि क्षमा वीरों का भूषण है। माफी मांगने पर मैं क्षमा करूंगा ना, कोई क्षमा मांगे तब मैं माफ करूंगा ना, या मैं किसी से क्षमा मांगूंगा अगर किसी की मेरी गलती हुई तो, ये तो शब्द नहीं है। गलती हुई चाहे ना हुई, मेरे होनेपन से भी अगर तुम्हें तकलीफ हुई है या ना भी हुई है, तब भी मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हूं कि तुम मुझे स्वीकार कर। अब इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न हमारे भीतर अक्सर उठ जाता है कि अगर हम इस तरह से सबको क्षमा करते रहेंगे तब तो लोग हमको बड़ा कायर समझेंगे, गलतियां करते रहेंगे, ऐसा कैसे। और ये खासकर प्रॉब्लम होती है हमारे घरों में कि भाई हम ऐसे सबकी गलतियों को नजरअंदाज करते रहेंगे, क्षमा करते रहेंगे, तो फिर तो कोई सुधरेगा ही नहीं। सबसे पहली चीज ये कि सुधारने का भाव पैदा ही तब हुआ जब हमने सामने वाले को मान लिया कि इसमें गड़बड़ी है, इसमें कमी है। इसका दूसरा पहलू भी है, मैं उस पर बाद में आती हूं, लेकिन मैं पहले इस पहलू पर आ रही हूं कि हमें हमारे भीतर दूसरों को सुधारने का भाव ही क्यों पैदा हो रहा है, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर रहे सामने वाले को एज इज। अरे भाई वो जैसा भी है, लेकिन हमारे अंदर प्रॉब्लम क्या है, लोग क्या कहेंगे, समाज में हमारा नाम खराब हो जाएगा, इसका बच्चा ऐसा, ये देखो कितने इंटेलिजेंट है, और इसका बच्चा ऐसा, ये आते ही भाव अब हम अपने बच्चों को सुधारना चाहेंगे। कई बार यंगस्टर्स को लगता है मम्मी आप ऐसे साड़ी मत पहन के चलो, लोग क्या कहेंगे, आप इस तरह से ड्रेसअप होते हो, या उनका ड्रेसअप अगर थोड़ा भी उनके अपने सोशल बैकग्राउंड का है उससे भी हमें शर्म आएगी। क्यों, क्योंकि ये चलन के अनुरूप नहीं है, हम खुद स्वीकार नहीं कर रहे, और इसलिए हमें ये डर है। हम जब स्वीकार करते हैं, आप मानकर चलिए, ये एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा, आप आज के इस सेशन से जो टेक अवेज ले जाना चाहते हैं उसमें ये पहला टेक अवे आप लिख सकते हैं कि आपको जहां कहीं ये डर है
कि अरे लोग क्या कहेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा कि अगर आपके भीतर ये प्रश्न उठा है कि फला आदमी मुझे टोकेगा, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूं वो टोकेगा। आप अपने अंदर पूरे स्वीकार भाव से जाइए, मैं जैसा हूं हूं, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं। आपके अंदर कोई डाउट ही नहीं है, कोई अस्वीकार का भाव ही नहीं है जिसे आप इस यूनिवर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हो। आप कहीं से भी अनएक्सेप्टेंस फेस करोगे ही नहीं, कहीं से भी विरोध फेस करोगे ही नहीं। विराट गुरु जी ने हमको एक ये बड़ा प्यारा सूत्र दिया, वो कहते हैं कि जिन सवालों को तुम फेस ही नहीं करना चाहते हो, स्वीकार ही नहीं करना चाहते हो, उनके जवाब ही मत तैयार करो। खम मत खामना, मैं जैसा हूं मैं अपने आप को संपूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, सामने वाला जो पूछेगा तब की तब देखी जाए। आपने उत्तर प्रिपेयर कर लिया, अब वो प्रश्न आपके सामने आएगा ही। और ये मैंने और हमारे पूरे ग्रुप ने, जो भी लोग मुझसे जुड़े, एक बार नहीं हजारों बार ये एक्सपेरिमेंट करके देख लिया। आप देखिए, नॉर्मली जैसे आप कई बार होता है ना फैमिली में संबंध हुए, अब आपने ये सवाल उठा लिया, कल को लोग मुझे पूछेंगे आपने इस जगह पर संबंध क्यों किया, यहां पर आपने हाँ क्यों की, तो मैं उनसे ऐसा कह दूंगा, मैं उनसे ऐसा कह दूंगी। आप एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करते हो, अब लोग आएंगे, अब आपको लोग पूछेंगे, अब आपको जवाब देने पड़ेंगे, अब आपको प्रूफ्स देने पड़ेंगे। मेरा लाइफ पार्टनर है, मेरा कंपेनियन है, चाहे बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, वॉट एवर यू हैव चोजन, आई एम एट ईज विद इट, I have accepted it completely. कोई मतलब नहीं है दुनिया, कौन पूछेगी, कोई आकर पूछेगा भी नहीं। आपने जवाब प्रिपेयर किया है, क्यों? क्योंकि आप दुनिया को, अपने आसपास के माहौल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। और ये फियर ऑफ अनएक्सेप्टेंस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब जिस सवाल की मैं बात कर रही थी उसका दूसरा डायमेंशन, कि घर के सदस्य अगर हम इस तरह से उनके हर बात को नजरअंदाज कर दें तो कैसे काम चले। यहां पर एक बात बहुत गहराई से समझने योग्य है, क्या उस सदस्य की गलतियों को सुधारने का जो अधिकार है वो आपके पास है? जैसे आप पेरेंट हो, राइट? आप पेरेंट हो, अब बच्चा अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है जो आगे जाकर उसके लाइफ में उसके लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है या उसके एक पर्सनालिटी में कोई ऐसा दाग लगा सकती है या उसके डेवलपमेंट को रोक सकती है, उसके प्रोग्रेस को रोक सकती है, वहां आप उन्हें बताएं जरूर उसकी गलती, और वो भी गलती के नजरिए से नहीं, पहले अपने उस बच्चे को स्वीकार करें। फॉर एग्जाम्पल, आपका बच्चा शायद कहीं गलत संगत में पड़ गया, उसके दोस्त ऐसे हैं जो आपको लगता है सही नहीं है। अब बजाय इसके कि आप उस पर रोक टोक करो, देख तू ऐसा कर रहा है, मैंने ये सुना है, उसके साथ दोस्ती तोड़ दे, प्लीज डोंट डू दिस। पहले एक्सेप्ट करो कि मेरा बच्चा समझदार है, मेरी परवरिश अच्छी है, मैंने अपने बच्चे को हमेशा सही रास्ता दिखाया है, लेकिन आज अगर मुझे कुछ सुनने को मिला है, लेट मी हैव अ टॉक विद माई चाइल्ड। पूछो उससे, बेटा तेरा ये जो दोस्त है, मैंने ऐसा ऐसा सुना है, व्हाई डू यू थिंक दैट यू नीड टू बी विद हिम, डू यू थिंक इज इट नेसेसरी। उसको सुनो, उसकी उसका जो व्यू पॉइंट है उसे सुनो, उसके जो रीजंस है उस बंदे के साथ बने रहने के उसे सुनो, और सुनने के बाद आप अपना नजरिया रखो, एंड देन 1, 2, 3, 4 उसे कॉन्सिक्वेंसेस बता। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता चल जाता है कि नहीं, यहां पर यह चीज तोड़नी ही होगी, वहां एज अ पेरेंट एक लाइन में फर्म डिसीजन लेकर अपना डिसीजन उसे सुनाए, लेकिन कहीं भी किसी भी रूप में अपने बच्चे को पॉइंट आउट ना करें, उसे गलत पायदान पे खड़ा ना करें। वहां पर आप अपने अधिकार का प्रयोग करें, लेकिन अपने बच्चे को पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए अपना पद
पूरी तरह एक्सेप्ट करते हुए. प्रॉब्लम क्या आती है कि वी स्टार्ट गिविंग एक्सक्यूजेस, वी स्टार्ट गिविंग प्रूफ्स. मैं तुम्हारा पेरेंट हूं, मैं तुम पर पैसा खर्च कर रहा हूं, मैंने तुम्हें इसलिए थोड़ी पढ़ाया लिखाया है कि तुम वहां कॉलेज में जाकर मस्ती मारो. हम इतना कुछ अनावश्यक बोल जाते हैं कि हम अपने ही बच्चे को एक जैसे कहते हैं ना कटघरे में खड़ा करते. हम भूल जाते हैं कि हमारी परवरिश, हम भूल जाते हैं ये चीज. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. दूसरा, इसी से मिलता जुलता एक और प्रश्न हमारे भीतर उठ जाता है कि अगर हम इस तरह से बार बार लोगों को माफ करते रहे तो क्या ये हमारी कमजोरी नहीं हो जाएगी? कभी नहीं होगी. अगेन, ये टेक अवे नंबर टू आज के सेशन का, कि जब भी आपको जिस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, जैसे कई बार आपको लगेगा यार मैंने इस बंदे का क्या बिगाड़ा है, ये क्यों आकर मुझे हमेशा टोकता है, ये क्यों आकर मेरे बारे में हमेशा बुरा बोलता है, मैं कब तक इसकी बातों को नजरअंदाज करूं, है ना? ये प्रश्न जब भी उठे, डू वन थिंग. पहले उस बंदे को एक्सेप्ट कर लीजिए, भाई इसका नेचर ऐसा है, इसका बिहेवियर ऐसा है जो मेरे फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं करता. अगेन, नॉट दैट आई एम राइट एंड ही इज रॉन्ग और ही इज राइट एंड आई एम रॉन्ग. नो भाई, उसका बिहेवियर ए है, मेरा बिहेवियर बी है, ये दोनों आपस में मैच नहीं करते. नाउ व्हाट कैन वी डू? जैसे हमारी इस पूरी सृष्टि में आप देखिए ना, एक ही पेड़ पर चिड़िया भी रहती है, सांप भी रहता है, चींटियां भी रहती है, बंदर भी रहते हैं, सब रहते हैं, है ना? दे को एक्सिस्ट, दे लिव इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. उसी तरह मैं भी उसको पूरी तरह से स्वीकार करता हूं. अगर मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता तो मुझे कोई अधिकार नहीं है कि मैं उसे नापसंद भी करूं. ज्यादा से ज्यादा मैं क्या करूं, अपना रास्ता बच के निकल. विराट गुरुदेव बड़ा प्यारा सूत्र देते हैं, वो कहते हैं कर सके तो किसी का सहयोग करो, कर सको तो किसी का सहयोग करो, विरोध का अवसर आए तो बच के निकल लो. क्या जरूरत है अपनी एनर्जी किसी के विरोध में वेस्ट करने की? और सिर्फ विरोध में वेस्ट नहीं करेंगे, हम और अट्रैक्ट करेंगे विरोध. तो जब कभी भी ऐसा अवसर आए बच के निकल लो. लेकिन आपका अधिकार है, आपकी पोस्ट है, तो आपको बिना सामने वाले को नीचा दिखाए आप अपनी बात जरूर कहें, अपना रिस्पॉन्स उन तक कहें. नॉट ओनली इन द फैमिली, व्हेन यू आर इन अ वर्क प्लेस, obviously somebody is a boss, somebody is a colleague, somebody is a junior, somebody is a subordinate, एक पूरी टीम काम करती है. तो अगर आप टीम के लीडर हो, जहां किसी की काम चोरी या किसी का काम नहीं करना या गलत काम करना आपको इफेक्ट करेगा, आपकी जिम्मेदारी को इफेक्ट करेगा, वहां पर आपको सामने वाले को बड़े प्रेम से उसकी गलती, बिना उसकी वो पुराना लेखा जोखा निकाले, अभी इस प्रेजेंट की जो मिस्टेक है उसको बताना जरूरी है. वहां पर आप बोल दो कि माफ कर दिया, चल जाएगा. नो, लेकिन अगेन एक्सेप्ट करना है कि भाई सबॉर्डिनेट है, इनएक्सपीरियंस्ड है, इसकी बुद्धि इतनी है, इसका वो कहते हैं ना दायरा काम करने का, इसका पोटेंशियल इतना ही है, मैं इससे ज्यादा इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता. उसको स्वीकार करके उसके बाद उसकी गलती बताओ, वहां पर गलती नजरअंदाज. हम समझे इस चीज को, क्षमा करने का अर्थ नजरअंदाज करना नहीं है, अलग चीज है. नजरअंदाज करना क्या हुआ? यू आर ब्लाइंड टूवर्ड्स द अदर्स मिस्टेक्स. यू डोंट हैव टू बी ब्लाइंड, यू डोंट हैव टू रजिस्टर इट. आपको तो एक्सेप्ट करना है ना, उसको कमी के रूप में ना गलती के रूप में, वो उस व्यक्ति का करने का तरीका है. आई एक्सेप्ट इट, ये उसका वर्किंग स्टाइल है. आई एक्सेप्ट इट. हम इस भाव में रहने लग जाएं, हमारे घरों में आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स इसी चीज की, ये ऐसे काम क्यों करती है, वो ऐसे काम क्यों करता है. अरे भाई ठीक है ना, ये उसका स्टाइल है. जब भी किसी के प्रति प्रॉब्लम आए, पहला लाइन आप अपने आप को बोलें कि उसका स्टाइल है. व्हाट कैन आई डू, ये मेरा स्टाइल है. हाँ, अगर मैं किसी से इंस्पायर होकर अपने उस वर्किंग स्टाइल को चेंज कर सकती हूं, आई विल श्योरली डू इट. अदरवाइज ये उसका स्टाइल है, गो अहेड विद इट. ये मेरा स्टाइल है, आई एम गोइंग अहेड विद. अब
इस तरह से आप, मैं आप सभी लोगों से कहूंगी, जितने भी लोग जुड़े हैं, सिंपल, मैं जो बातें कह रही हूं उस पर बिल्कुल भरोसा मत करना। मैं तो कुछ भी बोल सकती हूं, राइट, है ना। सिंपल एक काम करना, आप नेक्स्ट 2 वीक्स के लिए कोई भी, जिससे भी आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिससे आपको ज्यादा इरिटेशन है, वहां पर इस खम्मत खामना शब्द को बिल्कुल एक मंत्र की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। थाली सामने आई, सब्जी पसंद की नहीं बनी, भाई 15 दिन के ट्रायल पर हूं, खम्मत खामना, खम्मत खामना, खम्मत खामना, थैंक यू, भोजन कीजिए। सब्जी नहीं भा रही है, खम्मत खामना, खम्मत खामना, खम्मत खामना। 15 दिन के ट्रायल पर जाइए, आप देखिए जिंदगी इतनी आनंदमय हो जाएगी, मजा आ जाएगा। किसी ने गलती की, अगर आपको लग रहा है कि गलती गड़बड़ है, तो भाई एक काम कीजिए, आपके मन के अंदर एक जेल है, एक कारागृह है। किसका वो कारागृह, किसका है? क्षमा का। विराट गुरुदेव एक भजन में बड़ी प्यारी बात कहते हैं, हर एक शिकायत क्षमा के कारागृह में बंद है। कितनी प्यारी बात। जो उस भजन का पूरा अंतरा, उस गीत का पूरा अंतरा इस प्रकार है, जो भी मैं हूं भूत के भावों का फल साकार हूं, मैं जो भी हूं, मेरे पास्ट के किए गए भावों का फल मैं आज साकार हूं, किंतु हर पल मुक्त मन उत्भाव का संचार हूं। मैंने जो कुछ पास्ट में किया है आज मेरे सामने वही निमित्त बन के आ रहे। मैंने किसी के प्रति बैड फीलिंग्स रखी, किसी के प्रति हेट्रेड के भाव रखे, तो सामने वाला भी मेरे सामने आकर वैसे ही भाव करेगा, लेकिन आज मैं उसके साथ कैसे पेश आता हूं और मैं अपनी फीलिंग्स को कैसे डाइवर्जन देता हूं, कैसे डेविएट करता हूं, ये मेरे ऊपर है। हर शिकायत क्षमा के कारागृह में बंद है, जिंदगी बस और क्या एक मुस्कुराता छंद है। ये शब्द हम्मत खामना, आई एक्सेप्ट एज इज, अनकंडीशनल। अब आप इस पूरे सेशन का अगर समावेश करें तो आप एक सिंपल सी चीज देखिए, पहली बात आपकी एनर्जी वेस्ट ही नहीं होगी किसी को बदलने में, काहे को, भाई तू तेरे जैसा मैं मेरे जैसा, सिंपल। टाइम वेस्ट नहीं, एनर्जी वेस्ट नहीं, और वो एनर्जी कहां काम आएगी, खुद को और ज्यादा निखारने में, खुद का पोटेंशियल और ज्यादा एक्सप्लोर करने में। अब आप बताइए, इतने समझदार तो आप हो कि अपनी एनर्जी और टाइम का इन्वेस्टमेंट किसी और पर करोगे या खुद पर करोगे? अब बताइए इस एक्सेप्टेंस में पावर है कि नहीं है। तीसरी चीज, जब आप किसी पर शिकायत करोगे तो भाई ये जो सृष्टि है ना, ये बड़े अच्छे से रिफ्लेक्ट करती है। आप किसी पर एक शिकायत डालोगे, 100 रिफ्लेक्ट होकर आएगी। कहते हैं ना, एक उंगली आप किसी पर उठाते हो, बाकी 4 आपकी तरफ पॉइंट आउट कर रही है। तो भैया शिकायत किसी पर करनी नहीं है, क्यों? क्योंकि भाई तू जैसा है, मैं तो तुझे एक्सेप्ट ही कर रहा हूं, और मैं तुझसे भी प्रार्थना कर रहा हूं कि तू भी मुझे स्वीकार कर ले। सिंपल है ना, मैं तुझे स्वीकार करता हूं, तुम भी मुझे स्वीकार कर लो। अब आप देखिए, मौसम के प्रति आपको जो भी शिकायत है, कुछ बदल सकते हो? कितनी बारिश हो रही है, कहीं जा नहीं सकते, घर में बैठे बैठे चिड़चिड़ा रहे हो, बताओ वो बादल आपकी परमिशन लेकर बरसेंगे? नहीं ना। उसकी बजाय देखो कि इस मौसम में आप बेस्ट क्या कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो, आनंद ले सकते हो, प्रकृति का आनंद ले सकते हो, चारों तरफ जो नेचर खिल रहा है उसको देखकर आप भी खिल सकते हो, चॉइस इज योर्स। अब बताओ, वेदर से झगड़ने से कुछ मिला? नहीं ना। हाँ, आपने एक अवसर खो दिया, एक अपॉर्चुनिटी खो दी खुद को रिजुवनेट करने। आप जहां जहां देखोगे, मेक अ लिस्ट कि अगर मैं खम्मत खामना के भाव में जाता हूं तो मेरा कितना प्रॉफिट है। हम सब बिजनेसमैन है एट हार्ट, तो हमारा कितना प्रॉफिट है।
आप क्या क्या सेव कर रहे हो और क्या क्या आप और ज्यादा खुद के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो देर आर सो मेनी थिंग्स. अगेन बिफोर इन्वाइटिंग योर क्वेश्चंस, आई वुड जस्ट लव टू एंड अप दिस सेशन सेइंग एक्सेप्ट कर लो, अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस. एंड ये जो आपके अंदर मजा लाएगा, मस्ती लाएगा, जो इस मोमेंट में जीने के लिए आपको प्रेरणा देगा, जो हम कहते हैं ना ज्ञाता दृष्टा बनो. बहुत सिंपल सा तरीका है ज्ञाता दृष्टा होने का. हम बातें बड़ी बड़ी करते हैं, है ना, जैन दर्शन में ये कहा गया है हमें ज्ञाता दृष्टा होना है, मैं ये करता हूं, मैं वो, सिर्फ हम शब्द बोलते हैं. ज्ञाता दृष्टा होने का पहली सीढ़ी है कि आप खम्मत खामना के भावों में आओ, और जैसे ही आप खम्मत खामना के भावों में आओगे, आप वर्तमान में जीना शुरू कर दोगे. क्यों? क्योंकि पास की कोई चीज ही याद नहीं है आपको, आप फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो. आप तो जो वर्तमान में है, आप फ्यूचर की प्लानिंग कब करते हो? जब वर्तमान को एक्सेप्ट नहीं करते हो. आप जब वर्तमान को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो पास के एक्सपीरियंस को याद कर रहे हो. आप देखो, आप आइसक्रीम का एक स्कूप ले रहे हो अपने मुंह में, राइट, ये वाली आइसक्रीम अच्छी नहीं है, वो जो मैंने वहां खाई थी ना वो अच्छी थी. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, इसलिए पास्ट में दौड़ रहे. अरे यार, ये आज ऐसी ये सब्जी टेस्टी नहीं बनी, मम्मी आप ना अगली बार जब बनाओ ना तो वो वाली वैसी वाली तरीके से बनाना. प्रेजेंट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, प्रेजेंट के प्रति खम्मत कामना के भाव में नहीं हो, फ्यूचर प्रिपेयर कर रहे हो. इसलिए सिंपल, वर्तमान खम्मत खामित, सिंपल. इस क्षण में जीना है तो खम्मत खामना के भाव में जियो, और जब इस क्षण में खम्मत खामना के भाव में जीना शुरू कर दोगे, पास्ट अपने आप छूटेगा, फ्यूचर अपने आप छूटेगा, और जब ये कल और कल छूटेगा तो आप क्षण में जीने लगोगे. क्षण में जीने लगोगे यानी समय में जीने लगोगे, समय में जीने लगोगे यानी ज्ञाता दृष्टा होने लगोगे, और यही सामयिक का भाव. और जब आप सभी के प्रति स्वीकार भाव में रहोगे तो बताइए, क्या इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो आपके प्रति वैर भाव रखेगा, या किसी के प्रति आप वैर का भाव रखोगे? आप तो सर्वभूत से ही प्रेम कर रहे हो, कोई पराया बचा ही नहीं, एगे आया के भाव में आ गए. अब वैर किससे करेंगे? वैर तो तब करेंगे ना जब अनएक्सेप्टेंस पर जाएंगे, जब अस्वीकार पर जाएंगे. तो देखिए ये खम्मत खामना कितना विस्तार है, कितना विराट है. एक मंत्र, ये एक जादुई शब्द, एक मैजिकल वर्ड हमारी जिंदगी बदल सकता है. एक्सपेरिमेंट इट एंड एक्सपीरियंस इट फॉर योरसेल्फ. जय हो. आई थिंक स्मिता, आई शुड गो विद अ क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन खम्मत खामना एंड मिच्छामि दुक्कड़म? खम्मत खामना क्या हुआ? जैसा अभी हमने पूरा सुना, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं, मैं स्वीकार करता हूं और ये जीव भी मुझे स्वीकार कर, राइट, मैं भी स्वीकार करता हूं और यही भाव रखता हूं कि सब मुझे स्वीकार. मिच्छामि दुक्कड़म, दुक्कड़म मीन्स दुष्कृत्य, दुक्कड़म मीन्स दुष्कृत्य, एंड मिच्छामि इज मिथ्या करता, यानी जब आप प्रतिक्रमण कर रहे हो तो प्रतिक्रमण में आप क्या करते हो? अपने सारे पास्ट डीड्स को, पास्ट आपने भूतकाल में जो भी कुछ मन से, वचन से, काया से जो भी कार्य व्यापार किया है, यानी मन में आपने थॉट्स लिए हैं, विचार किया है, पुरानी यादें आई हैं, स्मृतियां आई है, आवेग आया है, आवेश आया है, या आपने जो कुछ बोला है बाहर भी और भीतर भी, या अपने शरीर द्वारा आपने जो कुछ भी किया है, उन सारे दुष्कृत्यों का, ऑब्वियसली जब आपने पास्ट कुछ हुआ है तो उसका फ्यूचर भी क्रिएट हो गया है. आपने जो भी कार्य किया है उसका आपको वापस फ्यूचर में कोई ना कोई प्रतिफल मिलने वाला है, वो निमित्त के रूप में आपके सामने आने वाला है. तो जब आप मिच्छामि दुक्कड़म कहते हो, प्रतिक्रमण करने के पश्चात, तब आप उन सारे दुष्कृत्यों का जो फल मिलने वाला है उसे मिथ्या करते हो.
कैसे मिथ्या करते हो कि आप उससे अपना कनेक्शन कट करते हो, पूरी भाव शक्ति के साथ अपने उन सारे दुष्कृतियों को एक बार फिर जीकर प्रतिक्रमण करके, फिर निंदा में निंदा करके यानी निरीक्षण करके, फिर गरहा करके, कन्फेस करके आप उन्हें अपने भीतर से हटाते हो। अब जो आपने फिजिकली किया उसे तो आप वो सिरा सकते हो, लेकिन जो कुछ मेंटली हुआ तब आप क्या करोगे, उसको अपने भीतर कन्फेस करके उसका प्रायश्चित कर लोगे, यानी भविष्य में उसका कोई भी फल ना मिले। उन फलों को आप मिथ्या करते हो, उन दुष्कृत्यों के जो फल मिलने वाले हैं, जो मिल सकते हैं, उनको आप मिथ्या करते हो। तो तस्सम इच्छामि दुग्गणम आप स्वयं के साथ करते, आपके भीतर जो फल सृजित हुआ अपने कर्मों का, उन कर्मों से आप स्वयं को अलग करते हो, यानी उन कर्मों की निर्जरा करते हो और मिच्छामि करते हो, यानी उन फलों को मिथ्या करते हो। इन शॉर्ट आई वुड से मेरे समस्त दुष्कृत्य मिथ्या हो, मिच्छामि दुग्गणम का अगर मैं हिंदी फ्रेज कहूं तो मेरे समस्त दुष्कृत्य मिथ्या हो। इंग्लिश में कहूं तो ऑल माई मिसडीड्स बिकम फ्रूटलेस, लेकिन बोल देने से नहीं हो, हमने बोल दिया तस्म इच्छामि दुग्गणम, हो गया नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हमने दुष्कृत्यों को जाना ही नहीं है। तो पहले स्वयं के साथ बैठकर प्रतिक्रमण में अपने उन सारे दुष्कृत्यों का एक एक भाव का प्रतिक्रमण कीजिए, और फिर गरहा करने के पश्चात तस्म इच्छामि दुग्गणम। तो तस्म इच्छामि दुग्गणम का तो अर्थ हुआ मेरे समस्त दुष्कृत्य मिथ्या हो, और खम्मत खामणा का अर्थ हुआ स्वीकार भाव, संपूर्ण रूप से स्वीकार भाव। मेरी जो गलती मुझसे हो गई है, मेरे जो भावों ने आपको जो तकलीफ दी है, मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं अपनी गलती कन्फेस करता हूं, स्वीकार करता हूं, और आपसे उम्मीद करता हूं कि जैसे मैं स्वीकार कर रहा हूं आप भी मेरी गलती को स्वीकार करते। ये अंतर हुआ, आई सपोज आई जी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल साधिका जी, आपको बहुत बहुत अनुमोदना, आपने आज खम्मत खामना के इतने सारे डायमेंशंस बताए, एंड जो पावर ऑफ एक्सेप्टेंस है जिससे हमारा कितना पर्सनल ग्रोथ हो सकता है, हमारा इमोशनल वेलबींग जो है वो कितना स्ट्रांग हो सकता है, इसको आपने इतने सुंदर तरीके से बताया। सी द पर्पस ऑफ द प्रैक्टिस जो कि उभर के आ रहा है ऑफ दिस एंटायर खम्मत खामना प्रैक्टिसेस जो हमारे जैनिज्म में एक प्रथा के जैसा है, इज जस्ट टू इंट्रोस्पेक्ट, एक्नॉलेज आवर फॉल्ट्स, सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम देम एंड फील जॉयफुल एंड लिबरेटेड। सो जो आपने जो हर चीज के अंत में ये बताया कि व्हाट वी गोइंग टू ड्रॉ आउट ऑफ इट इज जॉयफुलनेस एंड लिबरेशन, दैट वॉज वंडरफुल टू हियर दैट। इस सेशन के टेक अवेज तो बहुत सारे थे, but of course we started with this and I think it's the most important one, ye ki sabse pehle hum khud ko, hamare jo flaws hain, hamare jo imperfections hain, uske sath accept kare, aur yahi jo philosophy hai ye dusre ke liye bhi apnaye, and of course with this living can become so spontaneous. आपने ये भी बताया कि बिल्कुल सिंपल है कि हम जब स्वीकार कर रहे हैं खुद को, और जब हम खुद को स्वीकार करें तो इट इज यू नो ये हमारा एक स्वभाव बन जाता है कि जब हम स्वयं को स्वीकार करेंगे तो हम आपको भी उसी तरह से स्वीकार करेंगे, लेकिन ये जर्नी स्टार्ट करनी पड़ेगी खुद से, ना हम दूसरों को कर पाएंगे। और नॉर्मली आप देखो ना, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है, जैसे सपोज आप ड्रेसअप हुए किसी पार्टी में जाने के लिए, राइट? अभी जैसे सपोज स्मिता जी आप बोल रहे हैं, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, आप सबसे पहले आप खुद को सुन रहे हैं, हम सब तो बाद में सुन रहे हैं, सबसे पहले स्क्रीन पर आप खुद को देख रहे हो, दूसरे लोग आपको बाद में देख रहे हैं, लेकिन हम क्या चाहते हैं, पहले दूसरे लोग मुझे स्वीकार करें। अरे भाई, मैं सबसे पहले, मेरा मुंह और मेरे कान के बीच में सिर्फ 4 या 5 इंच का गैप है, अगर मैं अपनी आवाज स्वीकार कर रही हूं सब लोग स्वीकार करेंगे ही करेंगे। अगर मैं अपने आप को पूरी रूप में, होता क्या है जैसे ही आप तैयार होकर बाहर निकले, किसी ने बोल दिया कैसी साड़ी पहनी, सब गया, हम खुद ही खुद को स्वीकार नहीं करें। अरे बाबा, एक कॉम्प्लीमेंट नहीं मिला है, तो एक काम करो, घर से निकलने से पहले कांच में देखकर 10 कॉम्प्लीमेंट खुद को खुद ही दे दो। और ध्यान देने,
दूसरे लोग जो कॉम्प्लीमेंट देंगे वो फेक हो सकते हैं, है ना, वो बनावटी हो सकते हैं, लेकिन आप खुद को जब 10 कॉम्प्लीमेंट देंगे तो 10 बार आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, एक बार बोल सकते हैं, 10 बार आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते, ये फैक्ट है। तो गिव 10 कॉम्प्लीमेंट्स टू योरसेल्फ, स्वीकार करो अपने आप को बड़े प्रेम पूर्वक। बिल्कुल बिल्कुल। सो साधिका जी, आप एक क्वेश्चन ये है कि हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करने में इतना रेजिस्टेंस क्यों फील होता है, लाइक और क्षमा मांगने में या किसी को सॉरी बोलने में रिलक्टेंस होता है, स्पेशली अगर रिलेशनशिप अगर फॉर एग्जांपल इन लॉज से रिलेटेड हो और समथिंग, तो और भी ज्यादा रिलक्टेंस। सो ये इसकी वजह क्या है? देखिए क्या होता है ना कि जब हम किसी से सॉरी बोलना चाहते हैं, पहली बात तो ये होती है कि कई बार हम लोग जो सॉरी बोलते हैं ना वो फॉर्मेलिटी के लिए बोलते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत हैं, हम गलत नहीं है, फिर हम क्यों सॉरी बोलें, या मैंने अपनी गलती मान ली तो उनका ईगो और ज्यादा सातवें आसमान पर चले जाएगा। व्हाट वी स्टार्ट डूइंग इज वी स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स, वी स्टार्ट अज्यूमिंग थिंग्स, और हम नॉर्मली, आप नोट करना अपने आप को इस सिचुएशन पे ले जाके, कि हम क्या करते हैं कि वो जो सामने व्यक्ति है ना उससे माफी नहीं मांगने की तैयारी करते हैं। यहां पर हम माफी मांगने की जो तैयारी कर रहे हैं ना वो हमारे मानस में बैठी हुई जो हमारी सासू माँ है ना, हम उससे माफी मांगने की तैयारी कर, और वो डिफरेंट है। हमारे अंदर बैठी हुई सासू माँ और जो एक्चुअल में सासू माँ सामने है, उन दोनों में बहुत अंतर है। आपने उनकी एक मेंटल इमेज अपने अंदर बना रखी, तो रिलक्टेंट क्यों होते? हम अपने सोशल इमेज के प्रति घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने भी तो हमारी एक इमेज बना रखी है, तो कहीं उन्होंने जो हमारी इमेज बना रखी है वो भंग ना हो जाए। तो पहला स्टेप ये है कि पहली चीज तो हमें ये समझनी है कि हम किसी से भी, चाहे हमारी मदर इन लॉ है, सिस्टर इन लॉ है, हमारा कलीग है, पति है, सब कुछ है, एक सिंपल सी चीज समझिए, आप जो फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, पहली बात तो ये कि खमत खामणा का जो मैंने पहला स्टेप किया बताया कि आप सबसे पहला उस व्यक्ति को स्वीकार कर लीजिए, उसकी पोस्ट को स्वीकार कीजिए, सिर्फ व्यक्ति को नहीं उस व्यक्ति की पोस्ट को भी, वो मदर इन लॉ है, आपके पति की मां है। यहां पर दो व्यक्तियों की सोच टकरा रही है, भूल जाओ वो पोस्ट है, वो बड़े हैं आपसे, वो उस घर के, यानी घर का क्षेत्र है। अगर सपोज और घर में कोई बड़ा नहीं है तो घर का बॉस कौन है, मालिक कौन है, सास। अब यहां पर क्या होता है कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ना शुरू हो जाते हैं, जबकि यहां बात अधिकारों की है ही नहीं, यहां बात पोस्ट की है। और मालिक, गुरुजी के 10 फैक्ट्स में से वील डिस्कस सम अदर टाइम, पर उसमें से एक फैक्ट है कि मालिक सदैव अधिकारी होता है, वो मालिक है, शी इज द लीडर, और वो जो मालिक है उसका अधिकार है, तो उन्होंने जो नियम कायदे कानून बनाए हैं उस घर में चलेंगे। मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, छोटी छोटी बातें होती है, जैसे किसी घर के हेड ने एक नियम बना रखा है कि भाई मेरे घर में 11 बजे के बाद बाहर जाना अलाउड नहीं है, राइट? अब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम क्या है, हम तो फ्री 10 बजे होते हैं, हमें तो बाहर ही जाना होता है, आपके जमाने में 9 बजे लोग घर आते थे, आजकल तो 10:30 बजे तो फैक्ट्री से घर आते हैं, तो हम क्या कहीं बाहर नहीं जाएंगे, सारी दुनिया बाहर जाती है। वी स्टार्ट गिविंग सेवरल रीजंस, रीजन से कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ मतलब किससे है, उस लीडर के विल पावर से। उसने अपने घर के लिए एक नियम बनाया है कि भाई 11 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। Don't give other reasons. हमारी कोई personal life, we give, you know, weird reasons. यहां पर सिर्फ आपको एक काम करना है, ठीक है मम्मी जी, आप जो बात कह रही हैं बिल्कुल सही है, आपने नियम बनाया है, सोच समझ कर बनाया होगा, लेकिन मेरी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करें, अब बताएं कि मैं क्या करूं। अब आपने उनके विल पावर को, उनके ईगो को चुनौती नहीं दी, चैलेंज नहीं किया। Now she is going to listen to you and she will find a way out. आप करके देख लीजिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, हम उनके विल पावर को चैलेंज कर देते हैं। अब वो विल पावर घर के बाकी सारे लोगों से जुड़ा हुआ है, उस विल पावर को आपने चैलेंज किया तो सिर्फ एक व्यक्ति आपके अगेंस्ट में नहीं जाएगा,
पूरे घर के विल पावर को आपने ब्रेक किया है, और वो विल पावर, वो आप उसे ईगो कह ले, विल पावर कह ले, वो आपके अगेंस्ट में जाएगा, और वो अगेंस्ट में इसलिए जा रहा है क्योंकि आप एक एंटिटी बन के खड़े हो। अब क्या हुआ, आपको अपने सोशल इमेज की परवाह होगी कि मैं इनके अगेंस्ट जा रही हूं तो ये क्या करेंगे, मेरा विरोध करेंगे, मेरा विरोध करेंगे तो मैं अकेली पड़ जाऊंगी। तो अब आपका दिमाग चलना शुरू हो रहा है, इन्होंने मेरे बारे में गलत राय बना ली तो मेरे बाकी के जो घर के सदस्य है वो भी मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे। नाउ यू स्टार्ट यू नो एनालाइजिंग थिंग्स और अपने दिमाग में ही सारी चीजें कर लेते हो। सिंपल सी चीज है, अगर आपको लग रहा है कि मेरी इस बात से उनको नुकसान पहुंचा होगा, उनको दुख पहुंचा होगा, सिंपली बिना कोई भूमिका बनाए, बैकग्राउंड बनाए, जाकर बोल दीजिए और ये भरोसा रख कर जाइए। पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, आपको भरोसा नहीं है जी। आपको लगता है वो मेरी बेइज्जती करेंगे, आपको लगता है मुझे दबाएंगे, वो मुझे बेटी नहीं समझते। अरे जरूरत क्या है बेटी समझने की, बड़ा प्यारा रिश्ता है सास और बहू का, तो बहू बनकर रही है ना, बहू बनकर अधिकार पूर्वक अपनी सास से उनका आशीर्वाद लीजिए, मम्मी जी गलती हो गई मेरे से, आप माफ कर दीजिए। अधिकार पूर्वक कहिए तो सही, प्यार लेना आना चाहिए। और सिंपल से दो शब्द हैं, खम्मत खामना और धन्यवाद आभार। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम है ना इस सृष्टि से धन्यवाद मांग कर देंगे लेकिन घर के लोगों को धन्यवाद नहीं करेंगे। सो ट्रू, सो ट्रू। एक लास्ट प्रश्न ये रहेगा कि अगर फीलिंग्स हमारे जैन धर्म में बहुत इम्पोर्टेंट होती है, भाव क्या रखते हैं, तो अगर हम भाव को मुख्य बना करके अगर हम अंदर से दिल ही दिल किसी के प्रति बोले खम्मत खामना, तो क्या इसका प्रभाव हमें बाहर देखने को मिल सकता है? श्योरली मिलेगा, क्योंकि आप देखिए ना, यू आर रेडिएटिंग दैट। सिंपल सी चीज है, आपके पास एक छोटा सा बल्ब है, आजकल ये सेल वाले बल्ब आते हैं, आपने उसको अपने पर्स के अंदर डाल रखा है और उसको चुपके से ऑन कर दो, क्या बाहर उसकी रोशनी नहीं दिखाई देगी? और अगर आप खम्मत खामना के भाव में हो, क्या आपके चेहरे पर वो रेडियंस नहीं आएगा, उसका वो एक्सेप्टेंस नहीं आएगा? यू आर एट ईज, लेकिन जब आप डिस्कम्फर्ट में हो तो क्या आपका चेहरा नहीं बोलेगा, आपके हाव भाव नहीं बोलेंगे, आपकी झुंझलाट नहीं बोलेगी? अगर आप खम्मत खामना के भाव में हो तो आपके भाव पूर्वक वो रेडिएट करेगा। अब आप बोलोगे शब्द का क्या महत्व है, हर व्यक्ति जागृत नहीं होता है ना जी, कुछ अपने आप में जीने वाले लोग भी होते हैं, एक शब्द बोल देने से आप उसका ईगो सेटिस्फाई कर देते हो और चुपके से उसका विल पावर अपने साथ जोड़ लेते हो। अब आप बताओ आपके साथ किसी और के विल पावर जुड़ जाएगा तो यू विल बी स्ट्रॉन्गर और वीकर। आप कहते हो ना मेरे साथ मेरे पेरेंट्स का आशीर्वाद है तो मैं दुनिया जीत सकता हूं, मेरे ऊपर गुरु का आशीर्वाद है मैं दुनिया जीत सकता हूं, किसी और की जरूरत ही नहीं है। तो अगर आप हल्का सा झुक जाते हो तो विल पावर आपको ज्यादा, सबका आशीर्वाद ज्यादा मिलता है, एक्सेप्टेंस ज्यादा मिलता है। सिंपल, कितना आसान है। एक छोटा सा प्रश्न मुझे दिख रहा है, मोक्ष प्राप्ति का मार्ग, क्योंकि समय हो रहा है मैं इसको वेरी शॉर्ट कहूंगी। मोक्ष का अर्थ क्या, मुक्त होना। तो जब आप किसी से बंधे हुए हो तो मुक्त होना भी आपके हाथ में है, और मार्ग क्या है कि बंधो ही मत। अब बंधन क्यों है, क्योंकि डर है। आप किसी से बंधते क्यों हो, तो मुझे छोड़ के मत जाना, क्यों, ये चीज मेरे से छिन गई तो मैं इसके बिना कैसे रहूंगा। जैसे जैसे जहां जहां बंधन है ना, उनसे जितना जितना मुक्त होते जाओगे उतना उतना मोक्ष। और बंधन तब तक है जब तक आपको नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं। जैसे जैसे आपको पता चल जाएगा कि इस चीज की जरूरत क्यों है मुझे, ये मेरी आवश्यकता है या सिर्फ मेरा कंफर्ट लेवल है, जैसे जैसे जानते जाओगे वैसे वैसे मुक्त होते जाओगे। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ, जब आप छोटे थे अंधेरे से डर लगता था, मम्मी डराती थी है ना, देख ऊपर गया ना तो काला बाबा आ जाएगा। बरसों डरते रहे, फिर एक दिन हिम्मत करके ऊपर गए
और पता चला ये तो अंधेरा है, एक स्विच ऑन करो लाइट आई और अंधेरा गायब, कैसा काला बाबा, कौन सा काला बाबा, कुछ नहीं है। सिंपल सी समझ आ गई, ज्ञान हो गया कि रोशनी का अभाव था इसलिए अंधेरा था और वही मेरा डर। तो जैसे जैसे जान जाओगे वैसे वैसे मुक्त होते जाओगे। क्या बात, बोलने मात्र से नहीं होगा जी, जी। अभी आपको लगता है अरे मैं मम्मी पापा से दूर कैसे रहूंगी, पास रहकर क्या कर लोगे, उनकी सांस जो आएगी जाएगी आपको पूछ कर आएगी जाएगी, आप पास बैठे हो। जैसे कई बार लोग कहते हैं महाराज साहब ऐसे कैसे चले गए, ऐसे कैसे डेथ हो गई, पता ही नहीं चला। मैंने कहा अच्छा तो आप चाहते थे कि वो 10-15 दिन बीमारी से तड़पे, आपको बताए, आपको रेडी कर ले कि अरे भाई मैं जा सकता हूं, ये बहुत बीमार है, ये मर सकते हैं, तब आप शांत हो। क्यों? क्योंकि आप मेंटली प्रिपेयर हो गए। अरे यू शुड बी हैप्पी कि बिना किसी तकलीफ के इतनी साता में, जितनी साता से उन्होंने सांस ली उतनी साता से सांस छोड़ दी, सिंपल। लेकिन नहीं, क्योंकि हम तैयार नहीं है जी। हम अपने कंफर्ट लेवल से बंधे हुए हैं, उनकी प्रेजेंस से बंधे हुए हैं, इसलिए हम मुक्त नहीं हो पाते। सिंपल, आपके हिस्से की सांस आप लोगे, आपका आयुष्य कर्म आप जियोगे, उनका आयुष्य कर्म वो जियेंगे, और हमारे किसी के पास वो लॉग बुक नहीं है, है ही नहीं किसी के पास जो ये बता सके कि किसका कितना आयुष्य बचा है। लेकिन जितना बचा है उतनी देर तो प्रेम से रह लो, उतनी देर सबको स्वीकार करके रह लो, क्या पता अगले क्षण आप और हम कोई होगा कोई नहीं होगा। तो एक्सेप्ट कर लो ना, इस सत्य को एक्सेप्ट कर लो। मोक्ष का मार्ग खुला है, आचारांग सूत्र का सूत्र है खणम जाना ही पंडिये, क्षण को जानने वाला पंडित है, तो पंडित बनो, वर्तमान को खमत खामित करो और पंडित बनो, न पास्ट में जीना न फ्यूचर में, इसी मोमेंट में मस्त होकर जियो, राइट? जी जी जी, थैंक यू, जय हो। बहुत बहुत सुंदर आज का स्वाध्याय और सेशन रहा साधिका जी, आज के जो प्रेजेंट मोमेंट में कैसे जिए उसकी विधि भी आपने अंत में हमें बता दी, और थैंक यू सो मच हमारे जेन टॉक्स के इस मंच पर आने के लिए और इतना सुंदर सेशन हमारे साथ देने के लिए, एंड वी आर रियली ऑनर्ड टू हैव यू हियर। सो समय हो चला है जी, बिल्कुल। मैं आपसे सिर्फ इतना सा एंड में कहना चाहूंगी कि जो भी लोग आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, चरम मंगल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, और चरम मंगल हमारी वेबसाइट है, आप उस पर भी जा सकते हैं, प्राग्भा विराट की वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। चरम मंगल और प्राग्भा विराट के FB और इंस्टाग्राम अकाउंट्स भी हमारी टीम मैनेज करती है, आप उस पर भी जाकर हमारे डेली अपडेट्स ले सकते हैं। हम टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी करते हैं, सेशंस भी लेते हैं, एवरी संडे 9 to 10 एक क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है। तो जो लोग भी हमसे जुड़ना चाहें, स्मिता जी आप मेरे नंबर व्हाट्सएप नंबर, प्लीज डोंट कॉल मी, यू कैन व्हाट्सएप मी, किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो आप व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं, आपके प्रश्नों को उत्तरित करने का हमारा प्रयास रहेगा। और स्पॉटिफाई पर भी द प्राग्भा विराट शो में आपको इसी तरह के बहुत सारे प्रश्न उत्तर मिल जाएंगे, बहुत सारे आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पर जाकर हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं, एंड संडे का क्वेश्चन आंसर सेशन आप अटेंड कर सकते हैं। प्लस बैंगलोर में हम लोग वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते रहे हैं, हमने अभी पिछले साल 2 वर्कशॉप्स पजुआ स्वामी के नाम से ऑर्गेनाइज किए, जहां 5 दिन हम रेजिडेंशियल हमने ये वर्कशॉप किया, आपको एक पूरा दिन हम केवल नमोकार में रख रहे हैं, तो उस नमोकार को कैसे कहाँ काम लेना, उसके क्या क्या है डायमेंशन से आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे नमोकार सहायक हो सकता है, इसी तरह से खमत खामना निस्सी ही मिच्छामी दुक्कड़म, तो हमने 5 दिन के इस तरह से वर्कशॉप लिया।
जिसमें गेम्स है, आप हर चीज, इवन डांस करते हुए आप कैसे परिक्रमा के भावों में रह सकते हैं, तो इनको प्रैक्टिकली कैसे एप्लीकेबल करना, हम इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले समय में आपको चरमंगल प्लेटफॉर्म पर, जैन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के प्लेटफॉर्म पर, ऐसे डिप्लोमास और सर्टिफिकेट्स के बारे में, वर्कशॉप्स के बारे में आपको पता चलेगा, जहां इन शब्दों के माध्यम से, इस जैन दर्शन के सूत्रों के माध्यम से आप कैसे बिजनेस कर सकते हैं, यहां तक कि प्रतिक्रमण द्वारा आप अपना वेट लॉस तक कैसे कर सकते हैं। सो वी आर वर्किंग ऑन मेनी डिफरेंट एस्पेक्ट्स, यू नो, मेनी डिफरेंट प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स, आई वुड रादर से कि आप उसको लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान देना, हम सिर्फ आपके साथ शेयर कर सकते हैं जो हमारे गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया या जो हमारा एक्सपीरियंस है, लेकिन उसे जीवन में उतारने के लिए एक्सपेरिमेंट आपको स्वयं करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू टीम, थैंक यू एवरीवन। मैंने समय सीमा नहीं शायद ज्यादा ले ली। बिल्कुल नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग हमारा सेशन था। तो आज का स्वाध्याय एक छोटे से मंगल भावना के साथ कि जगत के सभी जीव हमारे मित्र बने, कोई भी हमारा बैरी ना हो, इस छोटी सी मंगल भावना के साथ मैं एक प्रार्थना, उसके बाद हमारे सेशन की समाप्ति। अणु परमाणु शिव बन जाओ, अखा विष्णु मंगल थाओ, सर्वे जीवे मोक्षे जाओ, कामे में सव्य जीवे खमंतु में, मित्ती में सब भूए सु, पेरन मंजना केणई, सर्वथा सहो सुखी थाओ, पाप ना को याचरो, राग द्वेष थी मुक्त थई ने, समता सहु समाचरो। मंगल भावना के साथ आप सभी का सादर प्रणाम, और प्लीज मिलते हैं अगले जैन टॉक्स को में, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। द डिटेल्स विल बी शेयरिंग वेरी सून टू यू। थैंक यू सो मच साध्वी जी। जय हो, जय हो, जय हो, कल्याण हो।